हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे बच्चों, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए कब कब पूछा है, सीपीएमटी में पूछा है, सीबीएसई में पूछा है, फिर पीएमटी में पूछा है, आईआईटी में, मतलब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले ये समझेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को लगाने का यानी सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनएच3 गैस इज ड्राइड ओवर, अब चार ऑप्शन है, मतलब NH3 गैस को, NH3 अमोनिया होता है, इस गैस को इन चारों में से किसके द्वारा क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, शुष्क कर लेते हैं, ड्राइड का मतलब सूखा कर लेना, तो किसके थ्रू करते हैं ये हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले एक 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 बात समझेंगे अमोनिया के बारे में। अगर हम अमोनिया के बारे में समझें तो NH3 होता है, NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर होता है, अगर ठीक तरीके से दिख रहा होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। इस लोन पेयर के कारण जो अमोनिया होता है ये क्या होता है, बेस होता है, या हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि अमोनिया जो होता है ये लुईस बेस होता है। सर लुईस बेस क्या होता है इसको समझाओ, जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर डोनर होते हैं उसे लुईस बेस कहते हैं, इतना क्लियर होगा। तो अब ये बेस है तो जाहिर सी बात है कि इसको ड्राइड करने के लिए किसी एसिड का जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास एसिड है तो एसिड को अगर एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर दोनों स्ट्रांग हो तब भी रिएक्शन नहीं होगा, दोनों वीक हो तब भी रिएक्शन नहीं होगा, अगर एक स्ट्रांग एक वीक रहेगा तो रिएक्शन होने की संभावना है, ठीक है। अगर हमारे पास बेस है, बेस का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे, रिएक्शन नहीं होगा। सर कब पॉसिबिलिटी है, जब एक स्ट्रांग दूसरा वीक हो तब पॉसिबिलिटी है, अगर दोनों स्ट्रांग है दोनों वीक है तब रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आया, तो इतना दिमाग में फिट करो कि अगर हमारे पास ये बेस है तो इसको ड्राइड करने के लिए हम लोग बेस का यूज करेंगे। अगर जो हमारे एसिड या डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं उनके साथ अमोनिया रिएक्शन करता है, जैसे हम बात को समझते हैं, CaCl2P2O5H2SO4, ये हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा काम करते हैं। सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये पानी खींच लेते हैं दूसरे से, क्या करते हैं, पानी को खींच लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा काम करते हैं। तो अगर हम बात करें H2SO4 का तो एक एक रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। H2SO4 लेते हैं, H2SO4 अमोनिया के साथ में रिएक्शन करता है, H2SO4 एसिड है और अमोनिया बेस है, वैसे तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा काम करता है लेकिन नॉर्मल यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब तुम जरा सोचो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कि अमोनिया को ड्राई करने के लिए यानी सूखा करने के लिए तुम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हो, कैसा था सर, कंसंट्रेट था। जब तुम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हो तो ये दोनों रिएक्ट करके दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तुम ये कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि तुमको नया वो अमोनिया मिलेगा, नहीं मिल पाएगा ना। अब तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट बन गया, तो इसलिए हमको ये ऐसा कुछ नहीं यूज करना है जिसके कारण अमोनिया पता चला रिएक्शन किया दूसरा प्रोडक्ट बना लिया। अब अमोनिया को तुम ड्राई करके लेने वाले थे कि ले नहीं सकते, तो H2SO4 देखो ये काम करता है। अगर तुम H2SO4 के बाद अगर CaCl2 लेते हो, CaCl2 लोगे और अगर NH3 लोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये रिएक्शन करता है और इस तरीके का एक कंपाउंड बना लेता है, क्या करता है, इस तरीके का एक कंपाउंड बना लेता है, CaCl2 8NH3 इस तरीके का कंपाउंड बना लेता है। तो यहाँ पर ये भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो, मतलब ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे तो ड्राई करने के लिए CaCl2 का यूज ही नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ पे P2O5 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, P2O5, तो इस तरीके से P2O5 लोगे जिसको फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड कहते हैं, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, साथ में क्या लोगे, अमोनिया लोगे इस तरीके से NH3। फिर इसके बाद तुम क्या लोगे, यहाँ पे वाटर लोगे, तो लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक्वस मीडियम लेंगे तो यानी लेने के बाद यहाँ पे रिएक्शन कर लेता है। अब रिएक्शन कर लेगा तो क्या बनाएगा, अमोनियम फॉस्फेट बना लेगा, अमोनियम फॉस्फेट ये बना लेता है। यहाँ पर NH3 अमोनियम फॉस्फेट है तो यहाँ पर NH4 हो जाएगा, यहाँ पर थ्राइस हो जाएगा इस तरीके से। अब जब अमोनियम फॉस्फेट बना लेगा तो यहाँ पर तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता, और जब रिएक्शन हो ही नहीं सकता क्यों नहीं होगा भाई, हमारा देख लो ये रिएक्शन कर रहा है, अमोनियम फॉस्फेट नया प्रोडक्ट बना रहा है तो हम इसका ड्राई करने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए इनका यूज नहीं करेंगे। तो एक बात याद रखना, आप जरा ध्यान से देखो,
एनहाइड्रस CaCl2 का यूज कर नहीं सकते, रिएक्शन कर रहा है, P2O5 भी रिएक्शन कर रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यूज रिएक्शन कर रहा है। अब बचा क्यूक्लाइम, क्यूक्लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्यूक्लाइम कहते हैं। ये क्या होता है सर, ये एक बेस होता है और ये भी क्या है, बेस है, तो बेस का बेस के साथ रिएक्शन ही नहीं होगा, आसानी से ड्राई करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा सर, ये तो बता दो। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्विक लाइम होगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से देखो इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।